Definitely. I think Shama is my very old friend. I've been known her for ages and ages, I think, you know. So I can't even count how many years I've been knowing her for. So of course it feels great when your friend starts something new. And I think we all are here to do something great and something that's more creative. Hum sab kuch na kuch naya karna chahte hain, and jab aap apne doston ko dekhte ho kuch naya karte hue, I think it's very important to be a part of that new thing that's starting, to support it, to give all your love and wishes. So I think that's the reason I'm here, and I have all the love and good wishes for Shama, and I hope that Dil Ki Sun becomes really big. And I think aaj ki tareek mein hame Dil Ki Sunna bahut zyada zaruri hai, because hum har cheez mein itna dimag lagate hain aur itna apne आसपास इतना इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, बट आई एम नॉट श्योर लोग क्या कहेंगे, और आई एम नॉट श्योर ये चीज़ें अप्रिशिएट होगी कि नहीं. तो आई थिंक वो डर को पीछे रख के एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई थिंक आई रियली लव द टाइटल ऑफ दिल की सुन. एंड या आई थिंक आज की तारीख में तो 90% दिल की सुन के नुकसान ही होता है. तो आई थिंक जहाँ पे आपको पता है कि आप लोगों से काम के सिलसिले में मिलते हो, आई थिंक दिमाग की ही सुनना चाहिए. एंड आई थिंक जब एक वो बॉन्ड बन जाता है, तब जाके दिल का रिलेशन वहाँ शुरू होता है. बहुत सारे जगह पे दिल का रिलेशन पहले शुरू हो जाता है, और ये वही जगह पे होता है जहाँ पे मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं होते. बट जब मटेरियलिस्टिक गेन्स आते हैं, तो आई थिंक दिल का सुनना बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत डिफिकल्ट होता है. बट देन येट आई थिंक इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ लेवल, एंड वेन यू लेवल अप आई थिंक थिंग्स स्टार्ट्स चेंजिंग. ऐसे एक्चुअली बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ. आई थिंक जब मैं टर्की गई थी, मुझे लगा था मुझे बेरूत जाना चाहिए, और जब वापस, मेरी बहुत फेवरेट सिटी है, और जब मैं वापस आई मुझे पता चला वहाँ पे इतना बॉम्बिंग हो रहा है और ये वो, तो मैं बहुत डर गई. मुझे लगा शिट, काश मैं चली गई होती. और यू नो, ये एक इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है, हमेशा मैं कहती हूँ मुझे जाने नहीं मिला. सो आई थिंक वो एक चीज़ है, मतलब सुनने में बहुत फ़नी लगती है, बट यू नो कभी कभी कुछ चीज़ें दूसरों को सुनने में बहुत फ़नी लगती है, बट जब आपके साथ होती है तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे करना चाहिए था. तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स है आई थिंक. वेल ऑनेस्टली प्रोजेक्ट्स आए हैं, बट आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको या तो उस लेवल पे रहना है या चीज़ों को लेवल अप करना है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे सिर्फ दिमाग की सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म आई थिंक एक ही चीज़ पे साइन करना चाहूँगी, कि मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं खुद फ्राइडे को जाके वो फिल्म देखूँगी. और अगर मेरा आंसर होता है नो, मैं भी उन्हें कहती हूँ नो. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बींग एन एक्टर एंड डूइंग फिल्म बैक टू बैक. इफ़ यू नॉट गेटिंग गुड फिल्म, वेट, यू नो इट डजेंट मैटर. आप एक साल बाद मिलेगी, दो साल बाद मिलेगी, मुझे वजह तुम हो दो साल बाद मिली थी आफ्टर जय हो. एंड जय हो आई वॉज जस्ट अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड आई गॉट अ लीप ऑफ अ लीड रोल. सो आई थिंक जब आप इस चीज़ों में दिल की सुनते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो करियर बेस्ड डिसीजन होता है, वो आपको एक चीज़, मैंने अपने इंडस्ट्री में रह के एक चीज़ मैंने सीख ली है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैंने सीख ली है, वो है पेशेंस. तो मैं बहुत पेशेंट हूँ इस चीज़ को लेकर, बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग माई न्यू वेंचर. एंड येस, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज अप माई स्लीव्स राइट. वेल मैं अपना बिजनेस शुरू करी, विच इज़ स्टार्टिंग ऑन दिस फ्राइडे, विच इज़ फेस स्पा. एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्रीटिंग स्किन, विच इट्स ऑल अबाउट योर फेस. बहुत लोगों को यहाँ पे लगता है फेस स्पा मतलब सलोन है, इट्स नॉट अ सलोन, इट्स ओनली फेस ट्रीटमेंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू ग्लो, शाइन एंड ब्राइट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. जी Of course, बहुत excited हूँ. Race 3, any which ways have been my very it has been one of my favorite franchise film. And I love thrillers, to be very honest. And मेरा favorite genre है thriller. जब आप फिल्मों की बात करते हैं, तो जब Race 3 आ रही है, overall हर चीज़ change हो गई in terms of looks, star cast, director, everything is changed. So I'm definitely looking what new is coming with everybody new in the group. मैंने बोल दिया. ये स्टॉर्म डिक एंड हैरी आ रही है, बट आई थिंक वो भी होल्ड पे है. आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, बट देन उन्होंने कहा है कि होपफुली जुलाई में शुरू होने वाली है. सो इफ इट स्टार्ट्स, ग्रेट.
थैंक यू। हाँ जी बताइए, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? See, Shama is a dear friend, and she's someone who has seen a lot in life. Zindagi mein unhone bahut utar chadhav dekhe hain. Personality wise bahut strong and independent individual hain, and mujhe lagta hai agar wo ye channel shuru kar rahi hain aur ab dil ki sun karke unka jo web series hai, jo unka thought hai, I wish her the best. Dil se main unko is show ke liye, is rather this new step that she's taken, I would wish her the best, and I just hope that everything goes very good for her. ऐसे काफ़ी इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी में जब हम ऐसा सोचते हैं कि यार आज अगर दिल की सुन ली होती तो अच्छा होता. बहुत लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं, चाहे जब हम टीनेजर होते हैं तो हमें कोई लड़की बड़ी पसंद आती है, आपके साथ भी हुआ होगा. हम सोचते हैं यार इससे बात कर ली होती, इसका नंबर ले लिया होता, लाइफ कुछ अलग होती. नहीं लेते हैं उस समय नंबर, नहीं करते. वो दिल की सुनने वाली बात होती है. लाइफ में कभी कुछ और देखते हैं, लगता है कि यार ये फिल्म कर ली होती ये अच्छा होता, ओहो ये उसने कर ली उसकी फिल्म चल गई. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं. दिल की हमेशा बात सुननी चाहिए. दिल जो होता है वो हमेशा आपको राइट इंट्यूशन देता है, राइट गट फीलिंग देता है. जो गट फीलिंग होती है, जो राइट इंट्यूशन होता है, वो आपका हार्ट आपको देता है, वो दिमाग नहीं देता. दिमाग जो होता है वो बहुत कैलकुलेटिव और बहुत डिप्लोमेटिक थॉट रखता है. दिल की सुननी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसा इशू है जो सिर्फ अब हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ें इसलिए शायद ज़्यादा नज़र में आ जाती हैं क्योंकि ये एक ग्लैमर इंडस्ट्री है. इसमें यहाँ पर चाहे कोई एक्टर बड़ा हो छोटा हो, किसी भी मुकाम का डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, उसके साथ अगर लाइफ में कुछ गलत हो या बुरा होता तो वो ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं हो सकता. डिप्रेशन अब स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत है, बिजनेस कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बहुत है. दैट इज़ बिकॉज द प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड द प्रेशर ऑफ बिकमिंग समथिंग ऑन सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी विथ अ सर्टेन स्टैंडर्ड ने लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और प्रेशराइज लाइफ बना दी है. आजकल ज़्यादातर बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, बुखार नहीं है. हाँ जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ. एंड कुछ दिन पहले मेरी उससे बात भी हो रही थी, वो गोवा में था. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम ऑफ बागी टू. देखिए जब एक फिल्म चलती है तो सबका फ़ायदा होता है. फिल्म चलनी चाहिए चाहे ऐसी भी हो, कुछ भी हो. एंड मैं हमेशा चाहूँगा कि उसकी हर फिल्म चले. आई एम ग्लैड कि उसकी फिल्म चली है, लोगों ने उसका काम इतना ज़्यादा सराहा है. आई एम रियली हैप्पी फॉर. जी देखिए, हर अपने फेस का एक अलग चॉइस प्रोसेस होता है फिल्म चुनने का. यू नो, जब मैं 20 या 19-20 साल का था तब शायद फिल्में एक बहुत अलग स्टाइल से चुनी गई थी. एंड आज जब फिल्में चुनी जाती हैं तो बहुत अलग थॉट प्रोसेस से चुनी जाती हैं. बट आई थिंक आई एम एट अ मच बेटर फेज इन लाइफ. आई एम डूइंग सम थिंग्स विच आर वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट विच आर वेरी एक्साइटिंग एंड मुझे बहुत चैलेंज कर रही हैं, चाहे वो पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे का काम भी हो. मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे बहुत एक्साइट कर रही हैं. पापा की तो सारी फिल्में मैं और प्रतीक करना चाहेंगे लेकिन शायद वो मुकाम ना छू पाएँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाल ही में अवेंजर्स आई थी तो मेरी ख्वाहिश तो है कि ऐसी फिल्म हमारे हिंदुस्तान में बन जाए भाई, है ना. अवेंजर्स बने और मैं थॉर का रोल कर लूँ तो और मज़ा आ जाएगा. बेचारा थॉर हिल जाए क्रिस हेम्सवर्थ मस्ट बी थिंकिंग व्हाट द हेल इज हैपनिंग मैन, द फक. डैड की काफ़ी फिल्में हैं बट कल की आवाज़ मेरी दिल के बहुत करीब है. मुझे लगता है बहुत इट वॉज अ वेरी गुड डेथ विश कॉन्सेप्चुलाइज्ड फिल्म.
जंगलम की शूटिंग जो है अभी फ़िलहाल उसकी वर्कशॉप्स चल रही हैं, उस पर काम चल रहा है। एंड जंगलम की शूटिंग जो है वो शुरू होगी जुलाई में, मैंने डेट्स जुलाई में दी हैं, जुलाई में शुरू होगी। जी देखिए, उस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर एंड इट्स अ ग्रे शेड। एंड मेरी प्रेपरेशन एज सच ये नहीं है कि मैं जंगल में जाके रह रहा हूँ, प्लीज़ मैं उस किस्म का एक्टर नहीं हूँ कि मतलब अब मैं मतलब जंगल की फिल्म कर रहा हूँ तो जी अब मैं 2 महीने जंगल में रहूँगा, मैं देखूँगा शेर क्या खाते हैं, वो सब मैं नहीं करता हूँ लाइफ में। मेरे अच्छे जेनेटिक्स हैं, मुझे समझ में आता है एक्टिंग क्या है, मुझे सीन परफॉर्मेंस समझ में आती है, मैं अपने डायरेक्टर के साथ वक्त बिता रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट की मांग क्या है, उस तरीके से अपनी आवाज़ पर अपनी लुक पर काम करके वी ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट एंड वी स्टिल हैव 2 months वर्क टू गो अबाउट इट। थैंक यू सो मच गाइज, प्लेजर प्लेजर।